तो गाइस कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग की रैंक पुशिंग, कमेंट करके जरूर बता देना। फिलहाल तुम्हारा भाई का जो रैंक है ना 500 के अंदर मैं पहुंच चुका हूँ, 400 समथिंग रैंक चल रहा है। शायद मेरे को एक दो मैच और खेलना है इस मैच के बाद ना, कितना रैंक चला गया ना 500 के अंदर और कितना रैंक है वो एक आप लोग एंड में ज़रूर देख लेना और ये वाला गेम प्ले ज़रूर देखना, क्योंकि ऐसा ऐसा टिप्स लगा के ना एक ही जगह से कितने सारे बंदे को मैं फिनिश करने वाला हूँ, बस वो चीज़ देखना मज़ा आ जाएगा। सबसे पहले ये भाई एंट्री होता है ये वाला इवेंट पे और अभी सीन देखो। और यहाँ पे उतरते ही मेरे को दो फिनिशेस तो मिल चुका है, पर यहाँ पे टच इशू वगैरह कितना हो रहा था, आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो पता चल चुका होगा, क्योंकि भाई लो एंड डिवाइस है तो भाई पता है हॉट ड्रॉप पे कितना ज़्यादा खतरनाक लेवल का लैग होता है। अब देखो सीन यहाँ पे अपना थोड़ा सा लूट वगैरह कंप्लीट करने के बाद ना मैं यहाँ पे आता हूँ, क्योंकि सामने वाले घर पे ना एक बंदा रहता है और बंदे को कैसे स्पॉट करता है और कैसे यहाँ पे फिनिश करता है सबसे पहले सीन देखो। अभी मैं 100% श्योर हूँ कि ये वाला बंदा मेरे को पक्का हैकर बोल के रिपोर्ट वगैरह करके गया होगा, पर बंदे को अच्छा खासा एंगल निकाल के फिनिश कर देते हैं। पर ये वाला पहला किल नहीं है, यहाँ से कितना किल निकालने वाला वो सबसे पहले वो चीज़ देखना। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे मैं पेटी वगैरह लूट ही रहा था, तभी यहाँ पे घिसकने की साउंड आता है बंदे का, फुटप्रिंट का जो मैप पर साउंड आता है ना वो भी आ गया था, तो मेरे को लगा था बंदा यहाँ पर ही होगा और यहाँ पर मैं कैसे बंदे को फिनिश करता हूँ, बस वो सीन देखो अभी। तो फिलहाल इस भाई को भी आराम से यहाँ पे फिनिश कर देते हैं, भाई शायद ऑलरेडी डैमेज वगैरह था, पता नहीं क्या सीन था, एक दो गोली से ही बंदा फिनिश हो जाता है। उसके बाद देखो अच्छा खासा मेरे को यहाँ पे 4 किल हो जाता है और मैं यहाँ पे अपना सर्वाइव करने के लिए ना ये वाला घर जो मतलब पहले वाले जहाँ पर मैं उतरा था ना उसी घर में देखो यहाँ पर मैं बैठ जाता हूँ और यहाँ पर बैठ के आराम से बंदा स्पॉट करने की ट्राई करता हूँ, कोई बंदा पॉइंट में स्पॉट होगा तो फिनिश करेंगे। और तभी मेरे पे आता है एक नेड, जिस नेट से मैं डैमेज हो जाता हूँ एकदम खतरनाक लेवल का, पर जैसे जैसे मैं यहाँ पे तुरंत कूदता हूँ क्योंकि वहाँ पे रहूँगा तो पक्का मेरे को और एक नेट वगैरह आ सकता है, इसलिए यहाँ पे कूद मतलब कूद के ना मैं अपना हीलिंग कंप्लीट करके ना फिर से जाने लगता हूँ उसी वाले घर पे, पर तभी मेरे को फुटप्रिंट आता है कि बंदा यहाँ पे पहुँच चुका है। और अब देखो इस भाई को कैसे यहाँ से भी फिर से फिनिश करता हूँ मैं। आप लोगों को क्या लगता है भाई ये वाला किल के बाद बंदा मेरे को रिपोर्ट किया होगा कि नहीं किया होगा, कमेंट करके ज़रूर बता देना। पर अच्छा खासा यहाँ पे एंगल मिल जाता है, अच्छा खासा मैं यहाँ पे किल निकाल लेता हूँ। उसके बाद देखो यहाँ पे जोन वगैरह आ जाता है तो मैं यहाँ पे ही सर्वाइव करता हूँ और उसके बाद देखो फाइट वगैरह बिल्कुल नहीं लेता, क्योंकि अच्छा खासा मेरा को 5 किल हो गया था, मेरे को अब सर्वाइव पिक के ऊपर फोकस करना है, जोन सर्वाइव करना है और एंड जोन में जाके मेरे को अभी मतलब जो है ना किल वगैरह निकालना है। तो यहाँ पर इवेंट से मैंने जो बॉक्स वगैरह रहता ना ओपन करके AMR वगैरह ले लिया था और यहाँ से शॉपिंग वगैरह जितने भी जरूरत का जो चीज़ वगैरह रहता है ना 50 का मैक वगैरह सब कुछ मैं यहाँ पे लेके ना सीधा निकल जाता हूँ जोन के अंदर। और देखो भाई मैं 500 के अंदर पहुँच चुका हूँ ना, तो अब लोगों को जरूर भाई टिप्स थोड़ा दूंगा कि अब लोगों ने कमेंट किया था कि भाई धीरे धीरे लगाओ, तो इसलिए मैं कभी दिन का 70+ भी किया, कभी 150+ भी किया, इस टाइप से खेला। और भाई अभी भी बहुत टाइम है, आप ईजी कॉन्करर लगा सकते हो, पर अभी पॉइंट थोड़ा हाई है, डोमिनेटर पर भी शायद 150-200 पॉइंट आपको लगाना पड़ेगा, ये बात याद रखना। तो अपने हिसाब से आप जरूर खेल सकते हो और मैं जिस टाइप से खेल रहा हूँ ना भाई, थोड़ा सेफ खेल के थोड़ा सर्वाइव करके खेलो, देखना इजी यहाँ पे प्लस मिल जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ जोन के अंदर और यहाँ पे मेरे को करना था सर्वाइव और यहाँ पे मैं गाड़ी घुमा ही रहा था और तभी मेरे को पीछे साइड से ना बंदे का फुटप्रिंट आता है, तो मैं सोचता हूँ भाई यहाँ पे एक बंदा तो है तो इसको कैसे फिनिश करता हूँ, बस वो सीन देखो। सबसे पहले गाड़ी घुमा के ना मैं यहाँ पर रोकता हूँ और बंदा देखता हूँ यहाँ पर TP भी ले रहा है, तो फिलहाल इस भाई को भी आराम से यहाँ पे फिनिश कर देते हैं, हो जाता है 6 किल। अब देखो एंड जोन का सर्वाइव भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो भी बंदा मिस करेगा ना तो भाई कभी भी एंड जोन में आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो एंड जोन का सर्वाइव करने का एक ही टिप्स है, जहाँ पे होल्ड करे ना थोड़ा सा कवर लेके होल्ड करो और भाई ज़्यादा इधर उधर मत करो, पिक पक मत करो, नहीं तो कहीं से भी स्नाइपर का शॉट वगैरह आ सकता है। जैसे मेरे पास स्नाइपर था पर मैं एक भी काम जो गोली है ना बंदे पर नहीं लगा पाता हूँ, देखना क्या सीन होता है। सबसे पहले देखो मैं अपना जो है ना उधर से सर्वाइव करने के बाद ना इस साइड में आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं गाड़ी रोकता हूँ, तभी मेरे को साउंड आता है एक गाड़ी का।
इस कुप वाले भाई को ना अच्छा खासा मैं डैमेज देता हूँ, पर बैड लक था बंदा फिनिश नहीं होता, एक हेड भी लगता है, दो तीन बॉडी भी लगता है, पर पता नहीं बंदा वन एच पी बच गया था लकीली, पर कोई नहीं। यहाँ पर मैं स्नाइपर से देखने जाता हूँ पर कोई भी बंदा स्पॉट नहीं होता। और भाई ऐसा ऐसा गेम प्ले यहाँ पे स्प्रे वगैरह दिखाऊंगा ना, एक स्प्रे देखना मज़ा आ जाएगा। सबसे पहले स्नाइपर है और सामने साइड से फायरिंग वगैरह साउंड आ रहा था, मैं बहुत ज़्यादा स्नाइपर से कोशिश करता हूँ बंदा स्पॉट करने के लिए, पर एक भी बंदा मेरे को स्पॉट नहीं होता। लकीली यहाँ पे एक बंदा स्पॉट होता है पर वो तुरंत गाड़ी लेके ना भागने लगता है, तो मैं सोचा कि बंदा यहाँ पे रुकेगा, पर बंदा रुकता ही नहीं है, जिसकी वजह से बंदा मतलब स्पॉट भी नहीं होता उतना और मैं इसको फिनिश भी नहीं कर पाता हूँ। स्नाइपर बिल्कुल बेकार हो गया था इस मैच में, पर कोई नहीं, यहाँ पे मैं फिर से सर्वाइव करूँगा और जोन भी देख सकता हूँ। आगे साइड शिफ्ट हो गया था तभी मेरे को पीछे साइड से और एक बग्गी का साउंड आता है और यहाँ पे स्प्रे देखो आप लोग। तो और बताओ भाई ये वाला स्प्रे कैसा था, एकदम टंग टंग बजा और बंदा फिनिश। भाई अब भी लाइक करना, मतलब लाइक करा जो काम है ना वो भी फिनिश कर दो लाइक करके अब भी, क्योंकि ऐसा स्प्रे भाई 40 FPS पे भाई, मतलब समझ रहे हो ना भाई क्या ही बोलूँ, मतलब खुद का तारीफ खुद ही कर रहा हूँ समझ रहे हो ना। तो भाई इस वाले मतलब जो स्प्रे के लिए ना एक लाइक ज़रूर कर देना। उसके बाद देखो अब बारी था जोन के अंदर एंट्री लेने का, पर यहाँ पे होने वाला है मेरे से एक बहुत बड़ा गलती। तो वो चीज़ क्या है देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे गाड़ी लेके निकलता हूँ और यहाँ पे सामने साइड थोड़ा सा आते ही ना यहाँ पे एक गाड़ी स्पॉट होता है, तो मैं रुक के देखने लगता हूँ तभी एक बग्गी मतलब कुप वाला बंदा भी स्पॉट होता है और उसके चक्कर में मैं यहाँ पे जोन के बाहर ही होल्ड कर लेता हूँ। और यहाँ पे सीन देखो क्या होता है, ये वाले बंदे के चक्कर में मैं जोन के बाहर आ गया था और जोन काफ़ी ज़्यादा मेरे को डैमेज भी कर देता है, पर लकीली यहाँ पे मैं बच भी जाता हूँ, मतलब सेफ आ जाता हूँ। पर यहाँ पे हो जाता है दिक्कत कि मैं जोन के बाहर ही होल्ड कर लेता हूँ और जिसके बाद क्या होता है, सामने बंदा आपस में फाइट भी करके एक बंदे दूसरे बंदे को फिनिश भी कर देता है, पर यहाँ पर मैं देखने जाता हूँ तो मेरे को बंदा स्पॉट होता ही नहीं है। और जब बंदा स्पॉट होता है तो वो बंदा मेरा बग्गी का टायर है ना फोड़ देता है, पर मेरा ध्यान बिल्कुल भी नहीं जाता। पर यहाँ पे मैं बंदे को अच्छा खासा डैमेज तो देता हूँ, पर बंदा यहाँ पे कवर में भाग जाता है और ऊपर से मैं हो गया था जोन के बाहर। और यहाँ पे मैं मतलब मेरा जो बग्गी है ना उसका टायर तो फूटा हुआ था पर मेरे को पता ही नहीं था, और वही बग्गी लेके मैं निकलता हूँ। और यहाँ पे सीन देखना, और बग्गी का यहाँ पे टायर नहीं था जिसकी वजह से बग्गी इतना स्लो हो गया था भाई स्प्रे से, मैं इजी यहाँ पे फिनिश हो जाता हूँ। पर #3 पे फिनिश हुआ था और प्लस देख सकते हो 18 का प्लस मिला है, जिसकी वजह से क्या ना अभी सीजन का मतलब जो है ना हाई टायर है, प्लस बहुत ही कम मिल रहा है प्लस के लिए, चिकन के लिए मतलब चिकन तो ज़रूरी है नहीं तो भाई प्लस बिल्कुल नहीं मिलेगा, ऐसा सीन है। तो मतलब जिस भाई का भी अभी तक कॉन्करर जो है ना हुआ नहीं है, वो लोग थोड़ा जल्दी जल्दी पुश करो, देखना आराम से कॉन्करर हो जाएगा। और भाई टेंशन लेने का ही नहीं है क्योंकि बहुत अभी भी टाइम है, समझ रहे हो ना, क्योंकि आराम से खेलो। और इसके बाद मेरा जो रैंक है ना वो देख लो 400 समथिंग रैंक चला गया था, और अब लोगों का क्या रैंक है कमेंट करके एक बार ज़रूर बता देना। और मेरे को शायद लग रहा है इस रैंक के बाद ना मेरे को थोड़ा सा और खेलने की ज़रूरत है, एक मैच में शायद मेरे को अब 10-15 का प्लस मिल जाए ना तो मेरे को अच्छा खासा यहाँ पे जो रैंक में होल्ड कर सकता हूँ सुबह तक। जो भी सीन होगा आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा। तो फिलहाल यही तक था आज का वीडियो, वीडियो अच्छी लगी तो जरूर एक लाइक कर देना, चैनल पे नया आया हो ना तो जरूर सब्सक्राइब करना। तो चलो मिलते हैं फिर से न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।